Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. And in the doubt session 2 of CSAT 2023, we will discuss the doubts of all the students who are enrolled in our any of course. Means if you are enrolled in microverse, means you have taken only a single topic. In that case, now again our, it becomes our responsibility to clear your doubts. And if you are enrolled in a complete course, then again. So today we will discuss the doubts of सम स्टूडेंट्स तो लेट एस फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का देखिये जुड़े हुए, हुए हो इन दैट केस देयर शुड बी नो डाउट इन यूर माउंट माइंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू गो टू एग्जाम विद सम डाउट इन दैट केस इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व द क्वेश्चन ओके बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्वेश्चन आपका डाउट है उसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाए सो so, कोशिश करिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो डाउट कोई नहीं होना चाहिए ओके okay? अगर आपका कहीं पे भी डाउट आता है इन दैट केस जो आपकी वीडियो है उसके नीचे लेटेस्ट डिस्कस का कॉलम आ रहा है आप वहां पर अपना डाउटपुट कर दीजिए ओके एंड दैट डाउट कम्स टू मे एंड आई विल सॉल्व यूर डाउट ओके सो लेटेस्ट देर आर आर फोर होटल्स इन ए टाउन इफ थ्री मैं चैक एंड टू ए होटल इन डे देन वट इज द प्रोबिलिटी दैट डिफरेंट होटल अलग -अलग होटल के अंदर है। अब जब हम बात करते बेटा की, तो की के केस में क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं हैं, हैं? कि टोटल यस, जो आ, टोटल आपके पास में वो कितने और फेवरेबल केसेस कितने हैं टोटल केसेस कितने बन रहे हैं अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि चार होटल हैं और तीन मैन है थ्री मैन अब यहाँ पे अगर हम टोटल को केसेस देखें तो टोटल के केसेस में क्या बन सकता है कि जो थ्री मैन है वो चार में से किसी भी एक होटल के अंदर स्टे कर सकते हैं दैट मीन्स कि टू फिल दिस मीन्स ये जो पर्सन है मान लो ये फर्स्ट पर्सन है ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है वो चार होटल है चारों में से किसी के अंदर भी जा सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको फोर वेज से फिल कर सकते हैं ओके okay? अब हम बात करते हैं सेकंड की अब जो सेकंड पर्सन है अब उसके पास भी वही चार होटल है वो चारों में से अगेन किसी में भी जा सकता है ठीक है उसके पास में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट की थर्ड पर्सन है वो अगेन चारों में से किसी एक को चूज कर सकता है तो अगेन उसके पास भी चार है तो टोटल कितने हो गए आपके पास में सिक्सटी फोर बेस टोटल कितने अपने पास में सिक्सटी फोर अब हम बात करते हैं फेवरेबल केसेस की यस yes.

थर्ड uh, है उसके अंदर भी एक पर्सन ने स्टे कर लिया अब उसके बाद में दो होटल रह गए अब दो एक पर्सन बच गया उसके पास में क्या पॉसिबिलिटीज है टोटल कि so, so, कितना हो गया ये आपके पास में ये हो गया ट्वेंटी फोर एन कम ऑन द प्रोबलिटी ऑफ द इवेंट इन दैट केस टोटल केस इज डिडेड बाई सॉरी फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल अब फेवरेबल हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो फेवरेबल कितने बन रहे आपके पास में ट्वेंटी फोर एंड टोटल दिस इज सिक्सटी फोर आंसर विल बी थ्री बाई एट क्लियर हांजी बताइए कोई भी डाउट आई होप सभी को क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आप लोगों को कवर कराया था अगेन दोबारा से रिपीट करते हैं अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव डिजिट कैन बी फोर्म्ड With the help विद हेल्प ऑफ डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सो दैट ईट ईच डिजिट स्टार्ट विदर्टीन मीन्स की एक नंबर के अंदर पहले थर्टीन आना चाहिए बाकी की जो डिजिट है वो हम अपने अकॉर्डिंग अरेन्ज कर सकते हैं तो जब भी हम बात करें अरेंजमेंट you can see we have five five digit number okay अब उसने कहा कि स्टार्टिंग में थर्टीन आना चाहिए मीन्स कि उसने यहाँ पे हमारे पास में क्या कंडीशन दी है थर्टीन आना चाहिए और ये जो तीन प्लेस है ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं देन अब यहां पे वन आने के लिए मेरे पास में कितने नंबर हैं फाइव है 1 2 3 4 5 अब ये जो फाइव नंबर्स हैं इन फाइव के अंदर से यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास वन अब हमने चेक करना कि है कि वन yes, कितने हैं आई हैव ओनली वन वे यस आई हैव ओनली वन वन कितने बेटा देयर इज ओनली वन एंड देयर इज टू सेलेक्ट आई हैव वन वन ओके एंड देर इज वे टू सेलेक्ट दिस वन इज ओनली वन बिकॉज आई हैव ओनली वन डिजिट ना वन डिजिट और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं देट मीन्स की यहाँ पे हम लिख करेंगे इसको वन वे से ओके okay? उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड के लिए अब यहां पर आना चाहिए थ्री अब थ्री देखो कितने यहाँ पे थ्री यहाँ पे हमारे पास कितने आई हैव ओनली वन थ्री आई हैव ओनली वन थ्री एंड आई हैव टू सेलेक्ट दिस ओनली फॉर दिस प्लेस दैट मीन्स वै ओनली वन वे टू सेलेक्ट दिस थ्री सो आई मल्टीप्लाइड बाई

अगर मैंने फोर को सिलेक्ट कर लिया टू एंड फाइव फाइव को सिलेक्ट कर लिया देन टू एंड फोर व्हाट की एक यहां पे तीन में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगी बाकी बची दो ठीक है अब यहाँ पे देखो इस प्लेस के लिए मेरे पास में दो है अब एक यहां पे प्लेस कर दिया अब कितनी बची एक सो so, इस so, कितने नंबर बन सकते हैं पांच डिजिट के

फाइव बॉयज है ठीक है तो फाइव बॉयज कितने वे से चले जाएंगे फैक्टोरियल फाइव वे से उनको हम बिठा सकते हैं I have five boys है? उनको हम फाइव फैक्टोरियल वे से की सीटिंग करा सकते हैं उसके बाद आ जाती है बारी गर्ल्स की तो हमेशा ध्यान रखो कि जितने यहाँ पे सेकंड पे है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे फाइव बॉयज है और फोर गर्ल्स तो अगर फाइव बॉयज की सेटिंग मैंने कर दी है आफ्टर दैट आई विल हैव सिक्स पोजिशन फॉर द रिमेनिंग पर्सन सिक्स पोजिशन कैसे देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास में फाइव फाइव बॉयज है बेटा मैंने इन फाइव बॉयज को ना यहाँ पे इनकी सेटिंग कर दी है थोड़ा लॉजिकली समझना है क्वेश्चन को क्योंकि जो सीसेट uh, का एग्जाम है उसमें वैसे भी लॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं ठीक है इन पांच को मैंने यहाँ पे सीट कर दी जब यहाँ पे इनकी सीटिंग होगी है तो आफ्टर द दिटिंग ऑफ दिस आई हैव द फॉर गर्ल्स अब गर्ल कोई भी है वो कहां कहा पे आ सकती है जो गर्ल है वो यहाँ पे आ सकती है यहाँ पे आ सकती है यहाँ पे भी पे 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 भी 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 और देर इज अ पॉसिबिलिटी सो उनके लिए कितने प्लेस हैं? गर्ल्स के लिए कितने प्लेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आई हैं और गर्ल्स कितनी है यस yes, गर्ल्स कितने है? मेरे पास में फोर्थ दिस इज लाइक की मेरे पास में आ, जो हम अल्फाबेट वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे याद करो कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में सिक्स अल्फाबेट्स है और फोर को यूज करके मैंने कोई भी वर्ड्स बनाने तो हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म तो ये उसी की तरह हो गया तो यहाँ पे मेरे पास में सिक्स पोजिशन है फोर गर्ल्स एंड आई हैव ओनली फोर गर्ल्स ठीक है इन दैट केस हमारे पास में कैसे करोगे उसको आप सेलेक्ट एक जो गर्ल्स हैं गर्ल्स को आप सेलेक्ट करोगे ओके सिक्स पी फोर क्या हो गया बेटा फैक्टोरियल सिक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू सिक्स माइनस फोर ओके अब इसको करो ये हो जाएगा हमारे पास वन ट्वेंटी इन टू अब सिक्स फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करती हूं तो ये क्या हो गया आपके पास में फाइव फोर थ्री इंटू फैक्टोरियल टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू ये बेटा इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा टू ये हो गया आपके पास में थर्टी थर्टी एंड ट्वेल्व दिस इज थ्री सिक्स थ्री सिक्सटी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हो गया जीरो जीरो बहत्तर सात और बारह तीन छत्तीस तिरतालीस विल बी फोर थ्री टू डबल जीरो ओके अब इसी तरह से मान लो को कहती हूँ कि क्वेश्चन है मेरे पास आई हैव फाइव रेड बुक्स एंड आ सिक्स ग्रीन बुक्स अब मुझे क्या चाहिए मैं क्या चाह रही हूं यहाँ पे मैं चाह रही हूं कि uh, जो आपके पास में रेड uh, बुक्स है वो साथ में नहीं होनी चाहिए आई वॉन्ट टू मेक ए सेटिंग सच दैट नो रेड बुक इज टूगेदर ओके इन दैट केस फिर क्या करेंगे पहले फैक्टोरियल सिक्स हो जाएगा बेटा यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे दिस विल बी फैक्टोरियल एंड विल बी सेवन पोजिशन फॉर सेवन फाइव रेड बुक्स आप कर सकते हो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो नेक्स्ट देखिएगा हां जी क्वेश्चन आई होप विजिबल है सभी को बेटा स्क्रीनशॉट uh, ही भेजा था स्टूडेंट ने मैंने उसी को यहाँ पे पिक किया है जो भी आपने भेजा था ठीक है तो यहाँ पे आ, मिथाली का क्वेश्चन आई थिंक ये देखो क्या है एक कंटेनर ऑफ मिल्क वाज फोर फिफ्थ फुल कंटेनर ऑफ मिल्क वाज फोर बाई फिफ्थ फुल व्हेन ट्वेल्व बॉटल्स ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड एट बॉटल्स ऑफ मिल्क वर पोर्ड इनटू इट इट वॉज थ्री बाई फोर फुल हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क कैन बी कंटेन्ड इन द कंटेनर कितनी बॉटल्स मिल्क की आ सकती है कंटेनर के अंदर तो देखो इस क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे एक तरह से ये आपका क्या कह रहा है कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर मिल्क और कितना फुल है वो फोर बाई फिफ्थ फुल है कितना फुल है फुल है ठीक है फोर बाई फिफ्थ ऑफ टोटल किसका फोर बाई फिफ्थ टोटल का हमेशा ध्यान रखो तो अब उसके बाद में क्या करें वैंड ट्वेल्व बॉटल ऑफ मिल्क्स वर टेकन आउट ट्वेल्व बाहर निकाल ली एंड एट बॉटल्स ऑफ मिल्क वर पोर्ड इन टू इट दैट मीन्स कि जो ओवरऑल चेंज हुआ है वो कितना हुआ है फोर बोटल्स का एट बोटल्स निकाली आठ उसने वापस डाल दी दैट मीन्स कि फोर बोटल्स है ना तो वो क्या कह रहा है इनटू इट इट वाज थ्री बाई फोर्थ ऑफ फुल मीन्स कि जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है फोर बोटल्स का बस इतना सा ही था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं दिस विल बी वन बाई वन बाय ट्वेंटी निकालोगे वन बाय ट्वेंटी आ जाएगा इज इक्वल टू फोर सो टोटल आई होप इट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मैं स्टार्ट टूगेदर टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस दो लोग हैं उन्होंने साथ में ही चढ़ना शुरू किए वन एट फोर किलोमीटर पर आर एंड अनदर एट थ्री किलोमीटर पर आवर ओके दोनों की स्पीड की बन दराइव हाफ एन आवर बिफोर द लेटर हांजी जो बंदा तेज चल रहा है दोनों ने चलना शुरू कर दिया एक चल रहा है फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो दूसरा वो चल रहा है थ्री किलोमीटर पर आर की स्पीड से पहले कौन पहुंचेगा जिसकी स्पीड फोर किलोमीटर पर आ रहा है तो ये कह रहा है कि जो फॉर्मर है वो दूसरे से कितनी देर के बाद पहुंच रहा है हाँ जी जो फॉर्मर है वो पहले पहुंच रहा है दूसरे से कितनी देर के लिए कितनी देर पहले आधे घंटे पहले दैट मीन्स की थर्टी मिनट्स पहले ओके दैट मीन्स की डिफरेंस ऑफ द टाइम किलोमीटर ओके इन दैट केस the second one will take more time so the time of second is d by 3 and the time of first one will be d by 4 and this is equal to what half hour half hour means 30 minutes the speed is in kilometer per hour that means what ki hame time bhi hour mein lena hamesha dhyan rakhna is cheez ka जब भी आप speed, time, distance के question कर रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम डिस्टेंस हर बार एग्जाम के अंदर आता है अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ट्रेन पे आ सकता है रेसेस पे आ सकता है बोट एंड स्ट्रीम पे भी मिल सकता है तो सभी कवर कर लेना सभी ओके okay? अब उसके बाद में इसको भी आपको किसमें कन्वर्ट करना है R में कर मल्टीप्लाई करोगे बेटा ट्वेल्व बाई टू Means 6 kilometer. So, your answer will be 6 kilometer. 6 kilometer will be the correct answer. Go it out. आपने यहाँ पे थर्टी मिनट्स को ही कंसिडर किया है हमेशा यूनिट्स को सेम रखना है अगर स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो टाइम को भी आपको आर में कन्वर्ट करना है अगर मीटर पर सेकंड में है तो आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है ओके सो लेट मूव टू द नेक्स्ट वन हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 84 मिनट्स बाय कवरिंग टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस एट फोर किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट फाइव किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है अगेन सिंपल है वो फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट की यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास में ये पूरे का पूरा डी है ठीक है तो वो कह रहा है कि जो टू थर्ड डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो वन थर्ड डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है किससे यस फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओके okay? तो टोटल टाइम आपके पास गिवन है तो अगर हम फर्स्ट केस के अंदर टाइम देखते हैं तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस टू बाई थ्री डी डिवाइडेड बाई फोर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम

डी प्लस फोर डी इज इक्वल टू एट्टी फोर मीन वट फोर्टीन डी विल बी इक्वल टू एट्टी फोर डेट मीन सिक्स किलोमीटर ओके सिक्स किलोमीटर हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एल्सियम ले रहे हो इक्वल टू के बोथ साइड का इन दैट केस सिक्सटी जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप सिर्फ इतने पार्ट का एल्सियम ले रहे हो तो आप सिक्सटी रखोगे फिर उसको बाद में कैंसिल आउट करोगे क्लियर हां जी क्लियर है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बेटा जैसा स्क्रीन शॉट मुझे मिला था वैसे मैं लेके आई हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ट्वेंटी नाइन सिक्सटी एंड वन जीरो थ्री लिविंग रिमाइंडर फाइव ट्वेल्व सेवन रेस्पेक्टिवली अब यहां पे ध्यान रखो जब भी कह रहे हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मीन्स जो डिवाइड करेगा ठीक है किसको ट्वेंटी नाइन सिक्सटी मीन की एक तरह से अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं भाई यहाँ पे वो नंबर डिवाइड करेगा ठीक है तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है पांच अब देखो यहाँ से तो डायरेक्ट ही आ गया वैसे तो आंसर है ना तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी पांच बचे ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर विल बी द करेक्ट आंसर बाकी के लिए इसको आप चेक कर सकते हो आपके पास ऑप्शन है तो उससे भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो एक तो तरीका ही हो गया दूसरा हो गया आपके पास में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इन दैट केस हमने करना क्या है सबसे पहले आपने जो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना बेटा निकालेंगे ट्वेंटी नाइन माइनस फाइव ओके उसके बाद वन जीरो थ्री माइनस सेवन क्लियर हाँ जी पहले आपको रिमाइंडर जो है ना रेस्पेक्टिव उनसे उसको माइनस करना है जब आपका माइनस हो जाएगा उसके बाद में जो नंबर्स आएंगे उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है ठीक है अगर वो एलसीएम वाला जो क्वेश्चन आता है उस केस के अंदर न, पहले आप एलसीएम पहले आप एलसीएम उसके बाद में जो रिमाइंडर है उसको करोगे ठीक है ये आपको से पता चलेगा कि जी एच सी एम अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड अगर आ रहा है विच डि मीन्स कि जो डिवाइड करेगा ऑब्वियसली वो नंबर छोटा रहेगा बट इन सब में से बड़ा होना चाहिए मीनस कि मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए कॉमन फैक्टर चाहिए वैसे भी जब भी आपके पास में ग्रेटेस्ट आता है तो बेटा देखो एच सी एफ की भी फुल फॉर्म क्या होती है दिस इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ओके तो आपने एच सी एफ निकालना तो यहाँ पे क्या बन गई वैल्यू आपके पास में यस ट्वेंटी नाइन माइनस फाइव दिस इज ट्वेंटी फोर सिक्सटी माइनस ट्वेल्व दिस इज फोर्टी एट एंड वन जीरो थ्री माइनस सेवन दिस इज नाइन्टी सिक्स ओके okay? तो अब उस केस के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके ट्वेंटी फोर से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास में फाइव बच रहा है ठीक है सिक्सटी को अगर ट्वेंटी फोर से डिवाइड कर रहे रिमाइंडर क्या बच रहा है अपने पास में यस yes. ट्वेल्व बच रहे तो वही है तो एक बार आप क्रॉस चेक पे इसको कर सकते हो हाँ जी ये बाद में करेंगे पहले यही कर लेते हैं क्या है फार्ट इज डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं ट्वेंटी फोर थर्टी फिफ्टी फोर से लीव फाइव एज ए रिमाइंडर इन दिस केस वी विल फाइंड आउट एलसीएम

एट फाइव वन जीरो क्लियर यस एंड दिस वॉज ऑल्सो डाउट हमें क्या फाइंड आउट करना है कह रहा है एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको किसका जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट वन एंड जीरो पॉइंट वन टू फाइव अब एलसीएम के लिए मैंने आप लोगों को क्या मेथड बताया था यस एलसीएम एलसीएम मींस व्हाट अगर आपके पास में पॉइंट्स में वैल्यू है इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इट इंटू फ्रैक्शन ओके फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करोगे और फ्रैक्शन का मेथड क्या होता है एलसीएम का एलसीएम ऑफ बाय हंड्रेड दिस इज वन बाई

सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सो यीरोक्ट आंसर डन देखिये अगर आपका कोई डाउट आता है तभी मैं आप लोगों को कह रही हूं माइक्रोवर्स के थ्रू आप प्रिपेयर करिए जिन्होंने ऑलरेडी लिए हुए वे हैं वेल एंड गुड जिन स्टूडेंट की अभी प्रीलिम्स का जिन्होंने ने इस बार्वेंटी थ्री में एग्जाम देना है और कुछ टॉपिक्स रहते हैं इन दैट केस आप क्या कर सकते हो माइक्रो माइक्रो वर्सेस वर्सेस ले सकते हो क्या है कि जो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो जैसे नंबर सिस्टम है हमें पता है इंपॉर्टेंट है एल सी एम एस सी एफ है इंपॉर्टेंट है हर बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है इस तरह से जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सिंगल सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो देखो कैसे यहां पे ये जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया आप वहां से इसको ओपन कर सकते हो यस आर द माइक्रो कोर्सेस मैथ लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश ओके आप यहां पे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपके रिक्वायरमेंट है उसको ओपन करेंगे यस यस दिस इज ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हो गया नंबर नंबर सिस्टम सिस्टम आपने चेक करना है और साथ में यहाँ पे गिवन भी आपके पास में कितना कितना परसेंट पेपर इसमें से आता है ओके okay? तो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर एग्जांपल हमें नंबर सिस्टम ही लेना है आप इसको रिव्यू करोगे वीडियो लेक्चर चाहिए इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर टेन वीडियो लेक्चर्स आर हेयर यहाँ पे हमने कवर करी है जैसे भी आपको एग्जाम में मिल सकती है ओके okay? तो ये आपका हो गया टेन लेक्चर्स और हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट भी अटैच है टेस्ट भी अटैच है प्रैक्टिस के लिए और लेक्चर की पीडीएफ भी हर एक लेक्चर के साथ में आपको मिलेगी इसके अलावा अगर आप कहते कि नहीं मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए देन प्रैक्टिस क्वेश्चन है नाइन वेब नोट्स अवेलेबल है क्लियर अगर आप कहते कि नहीं मुझे सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए इन दैट केस यू कैन स्किप दिस पार्ट ओके जैसे आप इन दो पार्ट्स को स्किप करते हो इन दैट केस यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी Means कि जितना आपको चाहिए आपको सिर्फ उसके लिए पे करना है ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर तो आपको नंबर सिस्टम करना है सिर्फ और आपको कंप्लीट कोर्स लेना पड़ रहा है नहीं देर इज नो नीड टू टेक कंप्लीट कोर्स इन सच केसेस ओके तो आप उस केस के अंदर सिंपल क्या कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो तो सभी

थैंक यू सो मच अगर आपके कोई भी डाउट है जो भी स्टूडेंट माइक्रोवर्स में भी है फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर सिस्टम ले लिया है और आपको नंबर सिस्टम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट आ रहा है इन दैट केस यू विल फॉरवर्ड योर डाउट वी विल सॉल्व योर डाउट ओके सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभिमन्यु आइए इसके साथ में